हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हम यहाँ पे सब ठीक हैं। और आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ 7:30 बजे से। और यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये वीडियो क्यों बनाई है, तो इसी जगह से हमारी सभी बहनों की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। और मैं अभी हूँ नया गांव चंडीगढ़ में, और यहाँ से हमारी जर्नी शुरू स्टार्ट हुई तीनों बहनों की। और हम अब अलग अलग रहते हैं, पर फिर भी। तो ये है नया गांव का मार्केट, और आज हम जा रहे हैं उत्तराखंड, चंडीगढ़ से उत्तराखंड की ओर। यहाँ पे जाना बहुत बुरा लग रहा है, यादें भी आ रही है चंडीगढ़ की, फिर पता नहीं कब आना होगा। और ये है चंडीगढ़ नया गांव का गुरुद्वारा, इसमें भी हम बहुत जाया करते थे। और थोड़ा आगे चलते ही यहाँ पे एक मंदिर भी है। यह है यहाँ का शिव शंकर भोलेनाथ बाबा का मंदिर। और यहाँ से ही हम चलते हैं आज सेक्टर 17, वहाँ से ही उत्तराखंड की बस मिलेंगी हमें। तो मिलते हैं आपको। हम आज जा रहे हैं चंडीगढ़ से काशीपुर, और ये है 17 सेक्टर 17। और हमारे साथ है शीतल और रुद्र। यहाँ पे हम कुछ खाने का ले लेते हैं। और ये है 17 सेक्टर 17। और आज हमें यहाँ से चलते हैं बहुत दिनों के बाद। यहाँ पे उत्तराखंड की बसें मिलेंगी पूरी। अच्छा इधर देख, हेलो कर दे। और हम जा रहे हैं, और शीतल हुई इमोशनल, आज बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रखी है। आज मैं जा रही हूँ चंडीगढ़ से, और शीतल हो रही है बहुत इमोशनल, मत रोना, क्या हो गया, तो दूसरे दिन आ जाएंगे। और इसका रोना ही बंद नहीं हो रहा है। और यहाँ पे रुद्र बोल रहा है मौसी को, मौसी चुप हो जा, हम फिर आएंगे। पर ये चुप नहीं हो रही है, नाम नहीं ले रही है, ये रो रही है, मत रो ना, क्या हो गया, तो फिर चले आ जाएंगे। बहुत इमोशनल हो रही है, और रुद्र बोल रहा है मौसी को, मौसी चुप हो जाओ। तो जाना तो है ही, आखिर अब एक दिन आने का होता है तो एक दिन जाने का होता है। इसे बहुत समझा लिया हमने, और चलते हैं। ये है हमारी बस, बस का नंबर है। और चलते हैं आप सीधे काशीपुर। हो गई बहुत इमोशनल, देख भी नहीं लिया। यहाँ पे हमने रात करके कुटुब मुद्रम ले लिया है, और उधर हुआ खुश।
आना बहुत ही बेकार लग रहा है, क्योंकि पहले से यादें जुड़ी रहती है जिस शहर से, वहाँ से आना बहुत ही अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ की बहुत ही यादें जुड़ी हुई है अपने बहनों के साथ, और रोना भी आ ही रहा है, तो क्या कर सकते हैं, जाना तो पड़ता ही है एक ना एक दिन, एक दिन आने का होता है तो एक दिन जाने का होता है। तो चलते हैं, यहाँ पे शीतल भी बहुत ही दुख हो रहा है उसको, तो वो चली जाएगी, मैंने सोचा कि तू चली जा और फिर हम भी चले जाएंगे। और इसको बोल रहे हैं मत रो ना, इतना मत रो, हम फिर आएंगे मत रो, जल्दी आएंगे। तानी मान ही नहीं रही है, बोल रही है मत जाओ, अभी ऐसा कभी हो सकता है, हमने टिकट भी ले ली है, फिर जब बोल रही है मत जाओ, रो ही जा रही है, आंसू भी, आंखें भी बहुत सूज रही है। चल ठीक है, बाय, आराम से जाना, बाय, चल चल। यहाँ पे शीतल भी चली गई है। ओए शीतल, आप सुनेगी नहीं, मौसी बोल, मौसी चल पड़े हैं हम चंडीगढ़ से, सीधे काशीपुर में मिलते हैं आपको। कैसा लग रहा है यहाँ से जाना, अच्छा लग रहा है, गंदा लग रहा है, यही रहना था। तो यहाँ पे कुछ देर चलते ही बारिश शुरू हो गई है, बिजली चमक रही है और पूरा शहर पानी पानी सा हो गया है। बेकार लगता है ऐसे मौसम में बरसात, ऐसा लग रहा है जैसे बरसात का मौसम आ गया हो। तो यहाँ पे हम चंडीगढ़ से 1 घंटे का सफ़र तय करके यहाँ पे हम अंबाला में आ चुके हैं, और अंबाला में बारिश रुक गई है, यहाँ पे हल्की हल्की बारिश हुई है, और मिलते हैं थोड़ी देर बाद आपको। यहाँ पे थोड़ी देर चलते ही यहाँ पे मेला लगा हुआ था। आप ढाबे में रुक गए हैं और रुद्र खा रहा है ब्रेड पकौड़ा, और ये है हमारी बस। और वेदर यहाँ का बहुत ही ठंडा है, बहुत ही ठंड है यहाँ पे। सही हो रहा है, तो दोस्तों फाइनली हम हरिद्वार में पहुंच चुके हैं, और यहां से लगभग 3 घंटे का रास्ता है। तो गाइज आज का वीडियो इतना ही, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मिलते हैं नए ब्लॉग में, बाय।